you remember all these things? रियल और वर्चुअल के डिफरेंसेस याद है? देन हमने करेक्टरिस्टिक्स करे थे. करेक्टरिस्टिक्स में क्या था? इमेज जो फॉर्म हुई है इट विल बी ऑफ सेम साइज एंड शेप एज दैट ऑफ द एक्चुअल ऑब्जेक्ट. ठीक है, देन वर्चुअल होगी, इरेक्ट होगी, ये हमने करा था. डिस्टेंस सेम होगा, दिस ऑल्सो वी हैड कवर्ड. नाउ कमिंग टू द मिरर्स, दो तरह के मिरर्स करे हमने. कौन कौन से थे? कंकेव मिरर, कन्वेक्स मिरर. चलिए बताइए मुझे, टेल मी, ये वाला, दिस मिरर इज विच मिरर? ये जो मिरर है ये कौन सा मिरर है? दिस इज कंकेव, कंकेव. एंड व्हाट अबाउट दिस, जो बल्जिंग आउटवर्ड है, दैट इज कन्वेक्स. वेरी गुड, दैट इज कन्वेक्स मिरर. गॉट इट? ये करा था हमने. देन वी स्टार्टेड विद द टर्म्स. टर्म्स ओके, दिस वॉज क्लियर टू यू? कंकेव एंड कन्वेक्स. कंकेव का रिफ्लेक्टिंग सरफेस दिस इज, जो के बल्जिंग इनवर्ड्स, केव की तरह. केव होती है गुफा, ठीक है. और कन्वेक्स का, दिस इज द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, बल्जिंग आउटवर्ड्स. गॉट इट? इज दिस क्लियर? इतना क्लियर है. अब हम टर्म्स की बात करते हैं. सबसे पहले हमने करी थी सेंटर ऑफ कर्वेचर. सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या था? हमने क्या किया था? सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है? अगर इसको हम सर्कल बना लें, ये स्फेरिकल मिरर्स है ना, उसका जो सेंटर है दैट विल बी द सेंटर ऑफ कर्वेचर. रिमेंबर, इफ दिस इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है. देन नेक्स्ट आया था हमारा पोल. पोल क्या है? रिफ्लेक्टिंग सरफेस का सेंटर इज द पोल. सेंटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज पोल. क्लियर? देन प्रिंसिपल एक्सिस. हमने क्या करा था? एक इमेजिनरी लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल. दिस इज नोन एज प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है. ये करा था हमने. नाउ अब हमारा नेक्स्ट है प्रिंसिपल फोकस. मैं दोबारा स्टार्ट करवा रही हूं प्रिंसिपल फोकस से. ध्यान से सुन लो, प्रिंसिपल फोकस क्या होता है? पहले नोट कीजिए, लिखिए इसकी डेफिनेशन. इट इज नोवेयर गिवन इन योर बुक, सो नोट डाउन. द प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज द पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस at which parallel rays meet after getting reflected by the mirror. ठीक है, जहां पे parallel rays meet करती हैं after getting reflected by the mirror. अब ये कौन सा lens है मेरा? Bulging inwards कौन सा lens है मेरा? यस आदित्य बोलिए, कौन सा? मैम अभी आपने जो बोला, मैम अभी जो आपने बोला तो वो रिपीट कर दो मैम, मेरा मेरे को सुना नहीं. प्रिंसिपल फोकस, प्रिंसिपल फोकस. हां जी प्रेरणा, कोई डाउट है? नहीं मैम, मिरर कॉनकेव है, कॉनकेव मिरर. ओके, यस भावेश, एनी डाउट? ओके, चलिए प्रिंसिपल फोकस की मैं डेफिनेशन आदित्य दोबारा रिपीट कर रही हूं आपके लिए. क्या है प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ स्फेरिकल मिरर? इज द पॉइंट
on the principal axis at which parallel rays meet, after getting reflected by the mirror. अब ये है हमारे पास कंकेव. इसका प्रिंसिपल फोकस क्या है? दिस वी ऑल नो, ये कंकेव है, इसका ये है पोल. अगर मैं इसको कंप्लीट कर दूं तो ये हो गए इसके प्रिंसिपल एक्सिस. ये है प्रिंसिपल एक्सिस, पोल से ये लाइन जा रही है पी क्यू. नाउ व्हाट हैपन इज, ये है मेरी लाइट दैट इज कमिंग ये मेरी लाइट है जो इस तरफ आ रही है, रिफ्लेक्ट हो रही है. गॉट इट? क्लियर हो गया? नाउ व्हाट विल हैपन, अब इसने रिफ्लेक्ट होना है. वेयर इट विल रिफ्लेक्ट? इट विल कम बैक हियर, इट विल कम बैक हियर, इट विल कम बैक हियर, इट विल कम बैक हियर. इस तरह से रिफ्लेक्शन होगी. तो ये पॉइंट जहां पे रिफ्लेक्टेड रेज मीट करती हैं, दैट पॉइंट इज नोन एज प्रिंसिपल फोकस. समझ में आया? द पॉइंट वेयर द रिफ्लेक्टेड रेज मीट एट अ पॉइंट ऑन अ प्रिंसिपल एक्सिस इज नोन एज प्रिंसिपल फोकस. ये तो था हमारा कंकेव का. अब कन्वेक्स में क्या होता है? पहले कन्वेक्स मिरर बनाइए, इरेज कर दो इसको. हैव यू डन, शैल आई इरेज इट? यस आदित्य बोलिए. मैम आपकी आवाज बहुत कट कट के आ रही है, और मैम आपने जो प्रिंसिपल फोकस में बारे में भी बोला ना, मैम कुछ भी नहीं पता चल रहा. बेटा फ्रॉम माई एंड देयर इज नो प्रॉब्लम. मैम अभी आपकी थोड़ी थोड़ी क्लियर आ रही है, अभी आप एक बार दोबारा बोल दो. मैं बोलती हूँ, प्रिंसिपल फोकस क्या है? वो पॉइंट जहां पे रेज रिफ्लेक्ट होने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस पे मीट करती हैं. गॉट इट? ये लाइट रेज आई, ये देखो ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, इससे ये रिफ्लेक्ट हुई. रिफ्लेक्ट होके ये सारी रेज कहां पे मीट कर रही है? इस पॉइंट पे. This point is known as principal focus. Got it? Aditya, have you got it? ये concave का था, ठीक है? ये concave का था. इसमें आप देखो, ये जो principal focus बना है, ये mirror के सामने ही बना है. So principal focus is real. And lies in front of the mirror. ठीक है? अब दूसरी तरफ मैं बात करती हूं. Shall I raise it? Shall I raise it? At least send me some message, send me some signal. Am I teaching to dummies? Now, if we take about convex. Let us discuss convex. Convex में क्या होता है? Convex mirror बनाइए पहले. Bulging outward. This is the polished surface. Means ये है reflecting surface. Right? So what will happen? क्या है? This is the pole. ये pole है. Center of the reflecting surface. ऐसे ही है. दिस इज द पोल. नाउ व्हाट विल हैपन, लाइट रेज आर कमिंग लाइक दिस. ऐसे ही जाएंगी लाइट रेज.
ठीक है। अब रिफ्लेक्ट होंगी तो क्या होगा, जब रिफ्लेक्शन होगी इट विल रिफ्लेक्ट लाइक दिस, ये उधर को रिफ्लेक्ट होगी, इट विल रिफ्लेक्ट लाइक दिस, ठीक है। नाउ व्हाट विल हैपन, इट विल रिफ्लेक्ट लाइक दिस, इट विल रिफ्लेक्ट लाइक दिस। ये पोल है ना हमारा, दिस इज पोल। अगर हम यहां से भी लाइट रिफ्लेक्ट करवाएं, ये भी एक रे आ रही है सपोज, तो इसकी लाइट कैसे रिफ्लेक्ट होगी, द लाइट विल बी रिफ्लेक्टेड इन द सेम वे, वो ऐसे ही रिफ्लेक्ट होगी, ठीक है। अब इसकी इमेज कैसे बनेगी, व्हाट विल हैपन, इसको एक्सटेंड कर लो, एक्सटेंड दिस विद द डॉटेड लाइन, कर लिया। नाउ एक्सटेंड ऑल दीज, इट विल मीट एट दिस पॉइंट, दिस पॉइंट इज प्रिंसिपल फोकस, गॉट इट। अगर हम इनको एक्सटेंड करें, ये लाइन्स ना सीधी जानी चाहिए, ओके, सीधी होगी, ऐसे, ठीक है। क्या है ये, प्रिंसिपल फोकस, गॉट इट। अब इस केस में कन्वेक्स मिरर में जो फोकस बना है वो कहां बना है, मिरर के पीछे, कहां बना है, मिरर के पीछे, तो ये क्या है, वर्चुअल, व्हाट इट इज, वर्चुअल। सो फोकस इज वर्चुअल एंड लाइज बिहाइंड द मिरर, उसमें कंकेव में क्या हुआ था, वो आगे ही बना था, इधर ही सारी रिफ्लेक्शन इधर ही हुई थी, ठीक है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस से आ गई, इसमें ये पीछे चला, इज दिस क्लियर। और प्रिंसिपल फोकस को हम डिनोट करते हैं कैपिटल एफ से, प्रिंसिपल फोकस इज डिनोटेड बाय कैपिटल एफ, ये न्यूमेरिकल्स आपने इसके बेस्ड, एफ दिया हुआ है, सी दिया हुआ है, पी दिया हुआ है, निकाल लो, तो ध्यान से सुन लो, क्लियर हो गया, इज इट डन, चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट टर्म आ गई हमारी फोकल लेंथ, फोकल लेंथ, फोकल लेंथ इज डिनोटेड बाय स्मॉल एफ, इसको हमने डिनोट किया कैपिटल एफ से, दिस फोकल लेंथ इज डिनोटेड बाय स्मॉल एफ, क्या होता है, द डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड द फोकस, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, द डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड फोकस ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड फोकल लेंथ, इज दिस क्लियर, क्या बोला मैम ने, द डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड फोकस, प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड द फोकल लेंथ, इज दिस क्लियर,
यस भावेश, सिर्फ और सिर्फ भावेश पढ़ रहा है इस क्लास में. यस भावेश बोलिए बेटा. मैम फोकल लेंथ एक और बार रिपीट कर दो. स्पीक आउट भावेश. एक्चुअली मैम फोकल लेंथ एक और बार रिपीट कर दो. यू आर नॉट ऑडिबल भावेश, आपकी आवाज नहीं आ रही है. मैं चैट इनेबल कर देती हूँ. मैसेज कर दो. हरी अप. फोकल लेंथ रिपीट कर दो. ओके. फोकल लेंथ क्या है? द डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड प्रिंसिपल फोकस. हां जी हां जी, समझ दी, बता रही हूं. फोकल लेंथ है द डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड द प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड फोकल लेंथ. गॉट इट? क्लियर है? अब एक छोटी सी एक्टिविटी आप घर पे करके देखना. कल मैं आपको एक और एक्टिविटी करवाऊंगी. एक छोटी सी एक्टिविटी आप करके देखना. जब भी सन निकलेगा आपने क्या करना है, एक कंकेव मिरर लेना है. कंकेव मिरर पता है क्या होता है? कंकेव मिरर कंकेव जैसा, बल्जिंग इनवर्ड्स, ये कंकेव मिरर होता है. करा हुआ ये, दिस इज अ कंकेव मिरर. ठीक है, कंकेव मिरर लेना है. इसका फेस सन की तरफ कर देना. कर दोगे? ठीक है. और जो लाइट इस मिरर के ऊपर पड़ेगी, इसकी जो रिफ्लेक्शन होगी, वो एक पेपर रख देना. जो रिफ्लेक्शन वाली लाइट पड़ रही है वो उस पेपर पे पड़नी चाहिए. ठीक है, तो क्या करोगे आप? आप देखोगे उस पेपर पे एक स्पॉट सा आ गया. यस कनिष्क, राइट, वेरी गुड. एक स्पॉट सा आ गया जहां पे सारी लाइट इकट्ठी हो गई है. अगर आप उसको वहीं पे काफी देर पड़ा रहने दोगे तो अल्टीमेटली इट विल बर्न, वो बर्न हो जाएगा. क्या हुआ था? ये जो ब्राइट स्पॉट आपका पेपर पे आया, ये क्यों आया? ये सन की इमेज आई थी उस पे पेपर पे. ठीक है, क्लियर? तो अब ये जो हीट प्रोड्यूस हुई, सारी सन की लाइट उस पेपर पे इकट्ठी हो गई एक पॉइंट पे, हीट प्रोड्यूस हुई, उस वजह से पेपर बर्न हो गया. आपको कहा जाता है ना डायरेक्टली सन की आंखों में नहीं देखना. व्हाई? क्योंकि सन की जो लाइट है, इट हैज लॉट ऑफ हीट, इट इज वेरी हॉट. ठीक है, तो ये आपकी आंखों को डैमेज कर सकती है. अगर आपको सन की इमेज देखनी है, आप कहां पे देखते हो? वॉल पे या किसी पेपर पे. यस. अच्छा स्टूडेंट्स, आपने कभी क्लास में, वैसे तो आपने सबने किया हुआ है, ये वॉच के साथ एक दूसरे की आंखों में लिशकोरे डालते हो? करा हुआ है ना? वॉच को ऐसे ऐसे हिलाते रहते हो और कभी मैडम के मत्थे पे डाल देते हो, फोरहेड पे, कभी मैडम की आंखों में लाइट पड़ती है. ये सारा इस वजह से ही है. ठीक है, कैसे होता है? आप लाइट को, जो लाइट आपकी उस मिरर पे पड़ रही है, वो आप रिफ्लेक्ट करवाते हो उसकी इमेज पे, उसकी किसी भी चीज पे जिसकी आंखों में डालनी है. गॉट इट? क्लियर है? अब मैं आपको एक रे डायग्राम करवाऊंगी. रे डायग्राम मैंने आपको बताया था. अच्छा, इसकी एक और छोटी सी एग्जाम्पल देती हूँ. जब आप सपोज आप, मैं यहां पे खड़ी हूं, आप वॉच के साथ मेरे ऊपर, नहीं सनलाइट जरूरी नहीं है, आपके रूम में सनलाइट नहीं आती कनिष्क. आप जो लाइट ऊपर ट्यूबलाइट ऑन है ना, उस लाइट को आप रिफ्लेक्ट करवा रहे हो, एक सरफेस पे डलवा के उसको रिफ्लेक्ट करवाते हो. ठीक है. अच्छा, आप क्या करते हो, पहले आपने कोशिश की
कि मैडम के फोरहेड पे आ जाए लाइट, तो आपने वॉच को ऐसे रखा, ठीक है, लाइट पड़ी और वो इमेज बन गई यहाँ पे, इकट्ठी हो गई। फिर अब आप चाहते हो मैडम की आंखों में पड़े, तो आप वॉच को थोड़ा सा हिलाते हो, नीचे करते हो, फिर वो लाइट थोड़ी नीचे आ जाती है। फिर आप चाहते हो मैम के नोज पे पड़े, तो फिर आप और नीचे कर देते हो। तो क्या कर रहे हो आप? एक्चुअल में आप पोजीशन को चेंज कर रहे हो, जिस वजह से जो इमेज बन रही है उसकी पोजीशन भी चेंज हो रही है, ठीक है। अगर आप ऑब्जेक्ट को अलग अलग पोजीशंस पे रखोगे तो इमेज जो बनती है उसकी नेचर, उसका साइज चेंज हो जाएगा। ये मैं आपको कल करके दिखाऊंगी, ठीक है। चलिए अब हमने करने हैं रे डायग्राम्स। रे डायग्राम्स करें स्टार्ट, बहुत ध्यान से करने हैं ये डायग्राम्स। आपकी बुक में नहीं दिए हुए बट पेपर में आते हैं रे डायग्राम्स। रे डायग्राम्स फर्स्ट, रे डायग्राम्स किस चीज की है? फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय कंकेव मिरर। फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय कंकेव मिरर। हम कंकेव मिरर लेंगे और अलग अलग जगह से देखेंगे कैसे इमेज बनती है, ठीक है। फर्स्ट केस, फर्स्ट केस, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड सी, मतलब कर्वेचर से दूर रखा है मैंने ऑब्जेक्ट को, सेंटर ऑफ कर्वेचर से दूर रखा हुआ है ऑब्जेक्ट को, ठीक है, क्लियर है। तो अब देखिए ध्यान से, सबसे पहले कंकेव मिरर ड्रॉ कीजिए। दिस इज अ कंकेव मिरर, दिस इज द पोल। इसको अगर मैं तब से सर्कल में बना लेना, ठीक है, ये लाइन सीधी लगाओ ताकि सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसमें लाइंस की बहुत इंपॉर्टेंस है। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर आ गया, ये क्यू आ गया, पी क्यू। अब इसको चाहे इरेज कर दो, हमने ड्रॉ कर लिया, ठीक है। एरोज लाइंस कैसे बनानी है, ठीक है, बन गया इतना, फर्स्ट केस कर रहे हैं। अब उसने कहा है हमने ऑब्जेक्ट सी से परे रखा है, मतलब मैंने ऑब्जेक्ट रखा है यहां पे, ये ऑब्जेक्ट रखा है मैंने, इस ऑब्जेक्ट को मैंने नाम दे दिया है ए बी, ये नाम दे दिया मैंने ऑब्जेक्ट को ए बी, मेरे ऑब्जेक्ट का नाम है ए बी, ठीक है, ऑब्जेक्ट इज ए बी। अब क्या होगा, लाइट यहां पे जाएगी, ऐसे पास करेगी। दूसरा केस होगा लाइट ऐसे पास करेगी, ठीक है, क्लियर। दो केसेस होंगे, एक इस तरह से लाइट गई, एक इस तरह से गई। अब रिफ्लेक्शन कैसे होगी, सी द रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन विल बी, इसकी जो रिफ्लेक्शन होगी वो इस तरह से आएगी, दिस इज द रिफ्लेक्शन, ठीक है। दूसरी, इसकी जो रिफ्लेक्शन होगी, इट्स रिफ्लेक्शन इट विल बी लाइक दिस, ये इस तरह से होगी, ये लाइन सीधी नहीं आई हमारी ना, इसको सीधा करते हैं हम,
दिस इज द पॉइंट सी और ये हमारी इधर से इसकी रिफ्लेक्शन हो रही है, ठीक है, ये रिफ्लेक्शन हो रही है, गॉट इट। नाउ ये यहां पे मीट कर रहे, गॉट इट। ऑब्जेक्ट फॉर्म कैसे बनेगा, ऑब्जेक्ट ये ए का ए डैश इधर और इधर बी डैश उल्टा। सो इमेज कैसी बनी, ये सी हमारा पीछे है, दिस इज द सी, ठीक है। तो हमारी इमेज कहां पे बनी है, इमेज इज, इमेज फॉर्म्ड इज, एक तो उल्टी बनी है इन्वर्टेड, दूसरी रियल बनी है क्योंकि इसी साइड पे बनी है रियल, और तीसरा उसका जो साइज है वो छोटा है, साइज स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, या डिमिनिश्ड वर्ड भी लिख सकते हैं, स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, साइज स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। ये मैं कल फिर दोबारा करवा दूंगी अगर आपको लगता है समझ में आया ये, या बनाऊं दोबारा। हरी आप, समझ में आया है या दोबारा बनाऊं, प्लीज टेल अगेन। ओके भव्या, पे अटेंशन, मैं दोबारा से बता रही हूं, इसको थोड़ा ऊपर करती हूं। देखो दिस इज द कनकेव मिरर, फटाफट से बता रही हूं मैं क्योंकि बेल होने वाली है, ठीक है। हाँ जी हाँ जी, यू ऑल्सो मेक, ये इसका पोल है मिडल में, तो दिस विल बी द सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है, ठीक है बेटा, दिस विल बी द सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो स्टूडेंट्स उसका क्वेश्चन क्या है, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड सी, अगर मैंने सी के बाहर रखा हुआ है ऑब्जेक्ट को, मींस मैंने ऑब्जेक्ट रखा है सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाहर, ये है ए बी ए, ये मेरे ऑब्जेक्ट का नाम है, समझ रहे हो। अब क्या होगा, लाइट कैसे रिफ्लेक्ट होती है, एक लाइट की रे इधर जाएगी, एक लाइट की रे इधर जाएगी, ऐसे ही जाएगी, क्लियर है। अब क्या होगा, व्हाट विल हैपन नाउ, ये जो लाइट है, ये जो रे है, इट विल रिफ्लेक्टेड बैक लाइक दिस, ये यहां से रिफ्लेक्ट बैक हो गई, आई एम यूजिंग डिफरेंट कलर्स, ठीक है। जो दूसरी रे है इट विल ऑल्सो बी रिफ्लेक्टेड बैक, ये ऐसे रिफ्लेक्ट बैक होगी, ठीक है, क्लियर। तो इमेज यहां पे, ये जो पॉइंट है यहां पे, दोनों रेज मीट करी है, ये तो फोकस हो गया ना, ये फोकस हो गया, तो ये यहां पे दोनों बनी है, तो इमेज कैसे बनेगी, ये उल्टी ऐसे, दिस विल बी ए डैश, दिस विल बी बी डैश, नई इमेज बनाई ना, तो मैंने बी डैश ए डैश कर, गॉट इट, इज दिस क्लियर, नो दिस विल बी ए डैश, दिस विल बी बी डैश, उल्टी आ गई इमेज ऐसे, उल्टा हो गया ऑब्जेक्ट, इज दिस क्लियर। तो इमेज कैसे बनी, देखो जरा, इमेज इज इन्वर्टेड, उल्टी बनी, रियल बनी है क्योंकि इधर ही बनी है, पीछे नहीं गई, एंड साइज स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, एक्चुअल ऑब्जेक्ट से छोटा साइज बना है, गॉट इट, इज दिस क्लियर, क्लियर हो गया, ओके इट्स ओवर नाउ, वी विल बी मीटिंग टुमारो।